GISF के हमारे सारे जवान आए, यूनिफॉर्म में आए आपसे कुछ निवेदन करने के लिए। निवेदन हमारे पास आया है, सरकारी नौकरी में सारे, गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है और उनका सारे जो सवाल है हमारे पास है सर, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। माइक आपो। हेलो, नमस्ते केजरीवाल जी। हम 97 से GISF में नौकरी कर रहे हैं। 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। हमारा सब बाबा बेबी 25 साल का 22 साल का हो गया। हमारा पगार पहले 1700-1800 फिक्स था। गुजरात सरकार ने उसे GISF बनाई थी 2002 में। गृह सचिव, जो गृह मंत्री है, गृह सचिव है, उसने एक निकाला था पत्र कि GISF लीगल है, GISF गुजरात सरकार का पार्ट्स है। फिर भी हमको अभी पगार कितना मिल रहा है? 11,000। 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीवी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। हम महाराष्ट्र सरकार ने जो बनाया MISF, उसमें GISF महाराष्ट्र का जो गार्ड है, MISF GISF सी पैटर्न से बना। पहले GISF 97 में बना, 2003 में MISF बना। उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पगार मिलता है 37,500। हमको पगार मिलता है 37,000। और यहाँ जो भर्ती 11,000 पगार मिलता है। यहाँ जो भर्ती हुई उसमें जो अभी भर्ती वो कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार आप चाहिए कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जिस डॉक्टर ने बताया कि इनलीगल है, डॉक्टर ने बताया अनफिट है, फिर भी हमारी ऑफिस ने उसको ऑर्डर दिया। वो युवराज भाई को सभी हमने जो भ्रष्टाचार है वो युवराज भाई को दिया है। हमारी विनती है कि आपकी सरकार आए, हम सरकार में हैं। 25 साल से गुजरात की विधानसभा, गुजरात RTO, गुजरात आपका जो मंदिर है, GMB, सभी जगह, गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं। इतने पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला GSF का कुछ सोचो, हमको कायमी बनाओ, हमारा पगार भर। और शुरू IPS हमारे उसमें CO पद पे वो सब है ना, CO पद पे भाजपा का जो आता है वो रिटायर्ड IPS रखता है, वो रिटायर्ड। तो आप आए तो शुरू IPS, उसको सस्पेंड होने का डर लगता है, इसलिए शुरू IPS रखो, ऐसी विनती है। और भ्रष्टाचार मिटाओ। जय भीम, जय संविधान। GISF के इतने सारे साथी आए हुए हैं, आप लोग जनता की बहुत सेवा करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। 11,000 रुपए में आज किसका गुजारा चलता है, और वो भी 25 साल की नौकरी करने के बाद। आप हमारी सरकार बनाइए, एक महीने के अंदर आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, आपको न्याय दिलवाया जाएगा, आपको पूरी तनख्वाह दिलवाया जाएगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.